अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास सेवन और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी सो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट अ कंप्यूटर में यूज इंक्लूडिंग रैम रोम एंड फ्लैश डिवाइस ये एक टर्म है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजी बनी है जो जिसमें हमारी रैम रोम और फ्लैश मेमोरी शामिल है सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमरी आर डिज़ाइन टू भी वेरी फास्ट कि कुछ कंप्यूटर की जो मेमरीज हैं जो बहुत फास्ट होती हैं मीनिंग डैट दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन एक्सेस डाटा स्टोर्ड देयर वेरी क्विकली की जिन ए, कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं ये ये मेमोरीज ऐसी डिज़ाइन की की होती हैं जिससे सी हमारा डाटा को डायरेक्ट और वे, वेरी फास्ट जो है ना इजी इस, एक्सेस कर सकता है

बेसिस इवन व्हेन देर इज़ नो पावर कि वो लॉन्ग टर्म डाटा स्टोर कर लेती हैं जबकि पावर उनमें ना भी हो जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है ये आगे जाकर हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे एंड आर टाइल विच आर ऑफ फास्टर बट विच लॉस ऑल द डाटा स्टोर ऑन देम एजन एज द पावर इज स्विच ऑफ जैसे कि बीच में कुछ होती हैं वो वोला होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर होती हैं लेकिन जब उनकी पावर लॉस हो जाती है तो वो अपना डाटा

और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड उनकी अच्छी होती है या फिर कुछ किसी की कॉस्ट कम होती है या फिर कुछ इन दोनों के दरम्यान कंपैरिजन करता है सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमरी आलतू मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी इन आर कंप्यूटर एग्जिस्ट द मोस्ट बेसिक डेस्टिनेशन इज बिटवीन प्राइमरी मेमोरी ऑफ कॉल्ड सिस्टम मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विच इज कॉमनली कॉल्ड स्टोरेज तो हमारे पास जो है बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन जो मोस्ट यूज़ होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो टर्म हम यूज़ करते हैं प्राइमरी मेमोरी को हम सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम स्टोरेज भी कहते हैं सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी सो द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज स्पीड ऑफ एक्सेस इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो स्पीड ऑफ एक्सेस का है कि कितनी जल्दी इनमें से प्राइमरी में से या सेकेंडरी में से कौन सी जो होती है आ, हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है सो प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रैम एंड रोम एंड इज लोकेटेड क्लोज टू दी सीपीयू ऑन दी कंप्यूटर मदरबोर्ड के जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें रैम और रोम इंक्लूड होते हैं और ये सी के करीब होती है मदर के ऊपर नेबलिंग द सी टू रीड डाटा फ्राम प्राइमरी मेमरी वेरी क्विकली रीड कि जब हमें ज़रूरत होती है तो सी बहुत जल्दी से जो होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी से डाटा कलेक्ट करके उसे रीड कर लेता है इट इज यूज इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा दैट द सी पी यू नीड्स इमिनेटली सो दैट इट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इट टू बी डिलीवर्ड कि जो हमारा सी होता है जब उसे ज़रूरत होती है तो वो बहुत जल्दी इसमें से डाटा जो होता है एक्सेस कर लेता है और उसे किसी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती सो सेकेंडरी मेमोरी By contrast, it is a contrast, इट इज usually फिजिकल लोकेटेड within अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क ड्राइवर और solid state ड्राइवर (SSD)। एस जो हमारी ये सेकेंडरी मेमरी होती है ये फिजिकल लोकेट कर रही होती है कंप्यूटर सिस्टम में जैसे कि हमारी एक हार्ड डिस्क होती है वो सेपरेट ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है इसमें हमारे पास हार्ड ड्राइव भी है एस एस टी भी है विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम आ इधर डायरेक्टली और ओवर आर नेटवर्क जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हुई होती है केबल्स के थ्रू या फिर ये ओवर इंटरनेट के थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं दि कॉस्ट पर गीगाट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज मच लोअर के जो हम अगर इसकी कॉस्ट को देखें तो इसकी कीमत को देखें तो ये साइज जो होता है इसका गीगा बैट्स में होता है लेकिन ये बहुत लो साइज़ में होती है बर्दर रीड एंड रॉइड स्पीड आर सिग्निफेंटली स्लो क्योंकि जो रीड और राइट की जो अभी जो सलाहियत होती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमरी आपको पता है रैम और रोम अगर हम रैम फोर जी बी लेते हैं तो वो महंगी है अगर हम हार्ड डिस्क लेंगे तो वो हम टेरा में भी मतलब ले सकते हैं और वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होंगी और जो रैम होती है वो हमारी काफ़ी महंगी होती है

इसी तरह अगर हम बात करें रैम की तो रैम में भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है एक एस रैम और एक डी रैम और अगर हम रोम की बात करें तो ये नॉन वाला है मतलब कि इसके अंदर डाटा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने की सूरत में चला जाता है ई पी रोम इसमें है हमारे पास और पी रोम है और दूसरी जो हमारे पास टाइप टाइप है वो डबल ई पी रोम है इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम चले जाएं तो हमारे पास एच टी डी हार्ड डिस्क ड्राइव एस एस टी कम्पैक्ट डिस्को डिस्क और मैगनेट टेप हमारे पास मौजूद है सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी होती है टेम्परेरी होती है सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो होती है वो परमानेंट होती है लॉन्ग टर्म यूज होती है सो प्राइमरी मेमोरी टाइप्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी तो हमारे पास जो रैम का एब्रीविएशन है वो रेंडम एक्सेस मेमोरी है इसी तरह रोम रीड ओनली मेमोरी बनता है सो so रैम की अगर हम बात करें तो एक्सेस रैम स्टेम्स द फैक्ट दैट डाटा स्टोर्ड इन रेंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी एक्स्यूज एज नेम सजेस्ट इट एनी रेंडम ऑर्डर के हमारे पास जो ये रैम होती है इसे हम रेंडम डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि इसका एक नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो खुद ही ये बता रहा था कि ये मेमोरी से डाटा रेंडमली एक्सेस करता है और पुट एन अदर वे एनी रेंडम बिट ऑफ डाटा कैन बी एक्सेस जस्ट अ क्विकली एज एनी अदर उदर इसे हम जो रहता है किसी भी बिट में से डाटा को बहुत तेजी के साथ हम इसे एक्सेस कर लेते हैं दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट रैम आर दी और दैट रैम इज़ वेरी फास्ट कि हमारे पास रैम के बारे में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये जो रैम होती है ये बहुत फास्ट होती है इट कैन बी रिटर्न टू एज वेल एज रीड के ये रिटर्न uh, uh, भी हो सकती है और रीड भी हो सकती है इट इज़ वालाटाइल सो ऑल डाटा स्टोर इन रैम मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन इट लॉस पावर के ये एक वोलाटाइल मेमरी है इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है तो यह मारागो मीटर बंद होता है तो इसमें से डाटा लॉस हो जाता है एंड फाइनली इट इज वेरी एक्सपेंसिव कम्पेयर गीगा कॉस्ट पर गीगाट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमरी की कंपेयर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम फोर जी बी रैम लेते हैं लेट वो तीन हजार रुपये की है इसी तरह अगर हम अगर हार्ड डिस्क लेते हैं थ्री ट्वेंटी जी बी तो वो हमें पंद्रह सौ में मिल जाएगी तो इस तरह अगर गीगाबाइट के हिसाब से अगर हम इसकी कॉस्ट को देखें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेटिव हाई कॉस्ट ऑफ रैम कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमरी टाइप्स दैट मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम आर यूज़ बोथ प्राइमरी एंड सकेंडरी मेमरी ये अगर हम इसकी रिलेट uh, करें इसे हाई कॉस्ट ऑफ रैम सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से तो बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम वो ये यूज़ कर रहे होते हैं मतलब हम सेकेंडरी मेमोरी को भी जो होता है ना एज अ सम जो उसका पार्ट होता है जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं एज अ वर्चुअल मेमोरी हम रैम को होते है, एज हैं एज अ रैम यूज़ कर लेते हैं जैसे क्या हमारे डिस्क के अंदर एक आ, जो होता है लेट्स सपोज अगर आप लेते हैं थ्री ट्वेंटी जी बी हार्ड डिस्क तो उसका साइज थ्री ट्वेंटी जी बी नहीं होगा वो मे बी थ्री टेन जी बी हो थ्री एट जी बी हो तो इसलिए जो होता है उसके बाकी फ्री स्पेस वो एज अ वर्चुअल मेमोरी काउंट हो रहा है वो और वो एज अ रैम यूज हो रहा होता है डाटा डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इमिन प्रोसेसिंग इज मूव टू रैम वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मोडिफाइड वेरी क्विकली डाटा प्रोसेसिंग में जो रैम uh, से डाटा मूव होता है उसे हम एक्सेस uh, या मॉडिफाइड बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं सो दैट दी पी यू इज़ नॉट किप्ट वेटिंग सी पी यू इस मामले में ज़्यादा वेट नहीं करता वेन द डाटा इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इज इट इज शर्टर्न आउट टू स्लोअर बट चीपर सेकेंड्री मेमरी कि जो वो डाटा हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता वो हमारे रैम से निकल जाता है और हमारे सेकेंडरी मेमरी में चला जाता है एंड द रैम स्पेस डेट हैज़ बिन फ्रीडअप इज फील्ड विद द नेक्स्ट चंक ऑफ डाटा दैट इज अबाउ टू बी यूज के वो फिर हमारे लिए एक फ्री स्पेस बन जाता है जो हमारा नेक्स्ट फर्दर जो हमारा डाटा मतलब हमने जिस पे प्रोसेस करना होता है उसके लिए वो एक फ्री स्पेस बना देती है सो टाइप्स ऑफ रैम अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम आर एस फॉलो डी रैम और एस रैम हमारे पास दो टाइप्स हैं डी रैम और एस रैम अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रैम यूज इन कंप्यूटर द ओल्डेस्ट टाइप इज नोन एज सिंगल डाटा रेट एस टी आर डी रैम बट न्यूअर कंप्यूटर्स डाटा रेट डी डी आर डी रैम तो हमारे पास जो पहले कंप्यूटर सिस्टम थे वो एस डी आर सिंगल डाटा रेट यूज़ कर रहे थे लेकिन अब जो हमारे पास न्यू और फास्टर कंप्यूटर आ रहे हैं वो डी डी आर डी रैम मतलब डाटा रेट डायनामिक रैम यूज़ कर रहे हैं डी डी आर कम्स इन सर्वर वर्जन इंक्लूडिंग डी डी आर टू डी डी आर थ्री एंड डी डी आर फोर विच ऑफर बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर एनर्जी इफिशेंट दैट डी डी आर देन डी डी आर हमारे पास डी डी आर में भी जो वर्जन आ रहे हैं टू थ्री फोर जो मतलब आप टू लेंगे तो वो फास्टर होगा थ्री उससे ज्यादा और फोर उससे सो हवेवर डिफरेंट वर्जन आर इन कम्पेटिबल सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स डी डी आर टू विध डी डी आर थ्री रैम इन कम्प्यूटर सिस्टम तो ये हर वर्जन डिफरेंट होता है ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक डी डी आर टू रैम लगा रहे हैं तो उसके साथ एक डी डी आर थ्री रैम लगा दें कंप्यूटर के लिए कंपेटिबल नहीं होता डी रैम कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर इन ईच सेल इसके हर एक सेल के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज होते हैं अगर हम बात करें एस रैम की तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम एंड इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैम विच इज फास्टर देन डी रैम के ये स्टैटिक रैम के नाम से जानी जाती है और ये जो रैम होती है ये डी रैम की नस्बत ज़्यादा

कैशे मेमोरी के हम इसे सीपीयू में यूज़ कर रहे थे हैं और ये जो होती है वेरी हाई एंड सर्वर सिस्टम होता है स्मॉल एस रैम कैशे ऑफ द मोस्ट इमेंटली नीडेड डेटा कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट स्पीड इंप्रूविंग कंप्यूटर सिस्टम कि जो एस रैम कैशे होती है ये मतलब हमें डाटा को बहुत स्पीड से एक्सेस uh, करने की तो मतलब जितनी भी आपकी कैशिय ज्यादा होगी तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेटर होगी तो ये उसके लिए हमें हेल्प करती है डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम तो फास्टर होती है फेर फास्टर ये मतलब दो से तीन टाइम गालबन ये तेज होती है बट मोर एक्सपेंसिव एंड बल्कर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एस रैम इज़ यूजली अवेलेबल इन मेगाबाइट्स जो हमारी एस रैम होती है वो मेगा बाइट्स में हमारे पास अवेलेबल होती है जबकि डी रैम को हम गीगा में परचेज करते हैं मतलब हमारी जो कैशी होती है वो हम मेगाबाइट्स uh, में ही होती है अभी तक वो गीगा बाइट में गई नहीं है जबकि हमारी डी रैम जो होती है जो हम रैम लगाते हैं वो हमारे पास गीगा बाइट मतलब टू फोर एट केगा और सिक्सटीन गीगा बाइट तक भी जा रही है DRAM uses more energy than SRAM because it consistently needs to be refreshed to maintain data integrity while SRAM through volatile does not need consistent refreshing when it is powered off. कि हमारे पास जो DRAM होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब मोर यूज़ मोर एनर्जी as compared to SRAM क्योंकि uh, ये कंसिस्टेंटली जो होती है रिफ्रेश कर रही होती है कंप्यूटर को जबकि एस रैम होती है वोला होती है इसको ए, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये ऑटो रिफ्रेश हो जाती है अब हम अपनी ए, दूसरी प्राइमरी मेमोरी टाइप रोम के बारे में बात करते हैं तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड द नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट वाइल डाटा कैन बी रीड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डाटा कैन नॉट नॉर्मली बी रिटर्न टू इट जैसा कि इसका नेम जाहिर कर रहा है कि ये एक रीड ओनली मेमरी है इसके जरिए हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं और इसमें हम डाटा को राइट नहीं कर सकते इट इज़ वेरी फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमरी विच इज़ यूजली इंस्टॉल्ड क्लोज टू दीपी यू ओनली मदर बोर्ड कि यह हम सी पी यू पे सी पी यू के अंदर मदर बोर्ड के करीब मदर बोर्ड पर सी पी यू जो हमारा लगाता है उसके बहुत करीब ये इंस्टॉल हुई हो होती है और ये बहुत फास्ट होती है रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमरी विच मीन दैट द डाटा स्टोर इन रोम प्रिजिस्ट इन द मेमरी इवन वैन इट रिस नो पावर कि जो हमारा जो रोम में डाटा होता है ये जब हमारे पास पावर ना भी हो नॉन वोलाटल होती है तो ये तब भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इन दैट सेंस इट इज सिमिलर टू सेकेंडरी मेमरी विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ डाटा जैसे कि हमारा कंप्यूटर uh, ऑफ uh, हो तो इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है जैसे कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होता है और रोम में बेसिकली हमारा जो होता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे हम बायोस कहते हैं वो हमारे रोम के अंदर होता है और जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वो बायोस ऑटोमेटिकली रन करता है वैना कंप्यूटर इज टर्न और वैना कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन दी सी पी यू कैन ब्रिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम विदाउट द नीड ऑफ ड्राइवर आर ओदर कम्पलेक्स सॉफ्टवेयर टू हेल्प इट कम्युनिकेट कैमरा कम्यूटर जब ऑन होता है तो सी पी यू इसमें से रोम में से जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक्सेस करता है किसी भी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर के हेल्प के बगैर द रोम यूजली कंटेंस बोर्ड स्टेप कोड विच इज द बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर नीज टू कैरी आउट दी बिकम अवेयर ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर इन सेकेंडरी मेमरी के जैसे कि पहले बात की गई थी मतलब इसमें बूट स्टैप कोड जिसे मतलब बायोज भी आप कह लें कि हमारा जो होता है इसके अंदर स्टोर होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये उसमें से जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड टू लर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू प्राइमरी मेमरी सो दैट इट कैन बी स्टार्ट अप एंड बिकम रेडी टू यूज और हमारा जो प्राइमरी uh, मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको हमारी प्राइमरी मेमोरी में भी ये लोड करता है जिसकी मदद मतलब से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है रोम इज आल्सो यूज इन सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर फिम वेयर विच रन एज सोन एज द डिवाइस इज स्विच ऑन ये वही बात है कि हमारा फिम वेयर जो होता है इसके अंदर स्टोर हुआ आता है और ये जब डिवाइस ऑन होती है तो ये इसे रन करने में हेल्प करता है सो टाइप ऑफ रोम की अगर हम बात करें तो देर आर टू देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम रोमो पी रोम ई पी रोम और डबल ई पी रोम अब हम इन्हें वन बाय वन करके देखते हैं पी रोम पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमरी एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू रोम इन दैट वाइल अ रोम आई ई हैज रिटर्न टू इट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि जो हमारी ए, पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये डिफरेंट होती है हमारे असल एक्चुअल रोम से कि ये जब बनावट होती है तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है अब पी रोम इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन एन एम्पिटी स्टेट एंड देन प्रोग्राम लेटर यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामर और बर्नर की जो इसमें हमारा प्रोग्राम जब ये बनाया जाता है तो इसे एक प्रोग्रामड प्रुग्र, जो बाद में यूज होते हैं उनके तौर पर इसे एक डिजाइन किया जाता है ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एज एंड एज द नेम सजेस्ट डेटा स्टोर इन एन ईपी रोम कैन बी इरेज एंड द ईपी रोम रिप्रोग्राम जैसे कि इसका नाम जाहिर करता है कि इसमें से डाटा इरेज भी हो सकता है और इसके अंदर हम डाटा को जो है वो प्रोग्रामड भी कर सकते हैं इरेजिंग ई पी रोम इनवॉल्व रिमूविंग इट फ्राम कंप्यूटर एंड एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वोलेटाइल लाइट बिफोर रिबर्निंग इट के जब हम इसे यूज मतलब इसमें से डाटा को हमने इरेज करना होता है तो इससे हम कंप्यूटर uh, से उतार कर और इसे हम अल्ट्रा वोलेट लाइट के साथ हम इसे रिबर्न करते हैं डबल ई पी रोम की अगर हम बात करें स्टैंड फॉर एलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमरी एंड द डेस्टिनेशन बिटवीन ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम इज दैट द लेटर कैन बी इरेज एंड रिटर्न टू बाई दूटर सिस्टम इट इज़ इंस्टॉल्ड तो जो डबल ई पी रोम होती है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड एनली मेमरी होती है और द डिफरेंट डिफ्रेंस इनमें यह होता है कि जो हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ जो हम लिखते हैं उसे हम इरेज भी कर सकते हैं और उसे हम राइट भी कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इन दैट सेंस डब्लू पी रोम इज नॉट स्ट्रिक्टली रीड ओनली कि ये सिर्फ रीड ओनली पे नहीं कंसिस्ट करती हवा इन मैनीस दैट राइट प्रोसेस इज स्लो कि इसका बहुत से केसेस में इसका रिटर्न प्रोसे, uh, जो प्रोसेस होता है राइट करने का वो बहुत स्लो है

मेमोरी अटैच टू अर कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच हुई होती हैं डिवाइस ठीक है ये डिफरेंट किस्म की होती हैं इनमें uh, हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं सोल्ड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल सी डी ड्राइवस हमारे पास ये थ्री डिफरेंट ड्रा होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क का पता है आपको ये परमानेंटली डेटा स्टोरेज करने के लिए यूज होती है इसी तरह हमारे पास होती है जो कि हार्ड हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है फिर हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव्स आ जाती हैं जैसे कि सी डी और डीबीडी प्लेयर सो so, होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी फॉर मोर वीडियोज अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल टेक केयर